आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। वकील भूप नारायण सिंह के वायरल ऑडियो को लेकर आज ब्राह्मण समाज हुआ सख्त। ब्राह्मण समुदाय का एक प्रतिनिधि मंडल पुलिस अधीक्षक से मिला एवं जल्द ही भूप नारायण सिंह सोलंकी के ऊपर कार्रवाई करने की बात भी कही। वहीं ब्राह्मण समाज की तरफ से पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सूर्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि वकील भूप नारायण सिंह सोलंकी जो पेशे से वकील है वह कई तरह की आपराधिक गतिविधियों में भी लिप्त रह चुका है। जमीनों पर कब्जा करना इसका शौक बन गया है। वहीं पारधी समुदाय के दम पर ये अपनी वकालत को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही ब्राह्मण समाज ने आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देते समय कहा कि जल्दी वकील भूप नारायण पर कोई कार्रवाई की जाए, यदि नहीं की गई तो ब्राह्मण समाज अपने स्तर पर प्रदर्शन करेगा। दूसरी बात ये अभी जैसे मान लीजिए किसी समाज को गाली दे और आजकल सब चीजें सोशल मीडिया पर तुरंत आती हैं। अभी जैसे मान लीजिए कोई ब्राह्मण है वो कोई क्या कहते हैं बनिया बनके किसी और समाज को गाली दे या कोई और समाज का आली किसी हजन को गाली दे, समाज में इस प्रकार से गौशाला की जमीन पर कब्जा कर रखा है और गौशाला की जमीन पर ढाई बूढ़े बाला जी को कब्जा और नदी पूरी रोक रखी है। महत्वपूर्ण बात मैं बोल रहा हूँ कि ये आम आदमियों पे पारधियों की दादागिरी बनाता है, पारधियों का उपयोग करता है, घर में चोरी करवा देता है, कोई उसकी मार्केट है उसकी कार्रवाई कर रहे हैं, वो सब फर्जी है, वो हम लोगों का काम हम करेंगे। मामला दर्ज करवाएं सर, आप वैधानिक कार्रवाई अति आवश्यक की जाए। ब्राह्मण समाज भजन पूजन वाला था, उपद्रवी नहीं सर। गुना जिले के संपूर्ण ब्राह्मण समाज एकत्रित होके भूप नारायण सोलंकी करके एक एडवोकेट है जो ओरिजिनली गुना के रहने वाले नहीं है, उत्तर प्रदेश या बिहार से कहीं से आके बसे हैं। जमीनों पर कब्जा करना, यहाँ पारदियों के केसेस लड़ना, पारदियों की दम पर दादागिरी करना, ये उनका नित्य व्यवसाय है। उन्होंने संपूर्ण ब्राह्मण समाज को जितनी खराब गालियाँ दे सकते थे, हमारे मध्य प्रदेश की बार एसोसिएशन में 15 ब्राह्मण्स नेतृत्व करते हैं, उनके ये शब्द थे कि पहले 4 ब्राह्मणों के मैं सूत्र लाल करता हूँ, उसके बाद अन्य ब्राह्मणों से निपटता हूँ। इस प्रकार के अनर्गल बयान और अनर्गल भाषा का प्रयोग उनकी आदत में है। अभी उन्होंने ब्राह्मण समाज के संपूर्ण लोगों को गाली जितनी खराब हो सकती थी, चाहे वो माँ की बहन की, अनशन गालियों से संबोधन किया है। इसी संदर्भ में उत्तेजित होकर आज संपूर्ण ब्राह्मण समाज माननीय SP साहब को ज्ञापन देने आया था। हम चाहते हैं उनके खिलाफ FIR लॉज हो, उनकी ज़मीनों की सारी जानकारियाँ ली जाएं कि किन किन ज़मीनों पे उनके अतिक्रमण है, किन किन पारदियों को उनका संरक्षण प्राप्त है। और वो तो क्रिमिनल नेचर के व्यक्ति हैं जो डकैती डलवाना, जमीनों पे कब्जे करना, इवन जो उनके निवास के नज़दीक से भी जो नदी निकल के आई है जो सिंहबासा से आती है उसके पास की भूमि पर भी अवैध कब्जा किया हुआ है। इस प्रकार की उनकी आदत में है, उसके लिए संपूर्ण ब्राह्मण समाज एकत्रित होके आज माननीय SP साहब को ज्ञापन देने आया। अगर FIR नहीं करती फिर क्या आंदोलन करेंगे उसके बाद? कितनी समय ऊपर आंदोलन कितना सरकार की? अभी इस प्रकार का समय तो दिया नहीं है, ये सब निर्णय समाज की सामूहिक बैठक में लिया जाएगा कि आगे की कार्रवाई क्या हो, इस पर निर्णय हम सामाजिक दृष्टि से समाज की संपूर्ण समाज की बैठक बुला के उसमें आगे के निर्णय करेंगे। म्याना थाने में हुई शांति समिति की बैठक। इस बैठक में शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य ईद के त्यौहार को लेकर था जिसमें शांति और सौहार्द बना रहे। म्याना थाना प्रभारी राकेश गुप्ता ने नागरिकों से त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की बात भी कही। इस बैठक में आए हुए लोगों ने अपनी राय भी रखी। मंगलवार को एक आदमी लगा देंगे।
ज्ञानंद से हमारे सहयोगी सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। संजय स्टेडियम में चल रहे दो दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आज हुआ समापन। इस टूर्नामेंट में छिपरा क्रिकेट एकेडमी उज्जैन और यूथ क्रिकेट एकेडमी गुना के बीच मैच खेला जा रहा था। आज का मैच गुना ने इसे जीत लिया। उज्जैन शिप्रा क्रिकेट अकेडमी वर्सेस क्रिकेट अकेडमी गुना के बीच ये दो दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था यूथ क्रिकेट अकेडमी द्वारा और शिप्रा क्रिकेट अकेडमी से हमने ये 2-0 से ही 2-0 से ही प्रतियोगिता जीती है। इसमें अभी आज ये समापन अवसर पर अभी जाएंगे। ट्रैफिक विभाग द्वारा रोड पर खड़े वाहनों की चालानी कार्रवाई की गई। यहां पर कई वाहनों को ट्रैफिक पुलिस ने उठा लिया, बाद में उनका चालान करके उन वाहनों को छोड़ दिया गया। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन उन व्यावसायिक संस्थानों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते जिनके यहाँ पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं है। कृषि विस्तार अधिकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक शासन उनकी मांगें नहीं मानेगा तब तक हड़ताल पर बैठे रहेंगे। कृषि विस्तार अधिकारियों की हड़ताल पर चले जाने से ग्रामीण क्षेत्रों के सभी कार्य अटके पड़े हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इनकी तरफ कब तक ध्यान देगा। माता की जय, भारत माता की जय, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्रांति आह्वान पर मध्य प्रदेश में समस्त जो है राजपत्रित कृषि अधिकारी संघ के समस्त अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी संघ, ग्रामीण कृषि विस्तार संघ के समर्थन में आज एक दिन के सामूहिक हड़ताल पर हैं, जिससे प्रदेश भर में पूरा कार्य ठप पड़ा हुआ है और सरकार सोई हुई है। सरकार को किसानों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, है? और सभी जो है पुरजोर जो है हड़ताल कर रहे हैं और हड़ताल निरंतर जारी रहेगी जब तक कि सर्वर के समान एक सूत्री मांग पूरी नहीं की जाती, हड़ताल समाप्त नहीं होगी। करंजिया के सीईओ के साथ हुई मारपीट के विरोध में आज मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन गुना और सीईओ संघ के तत्वाधान में आज एक रैली निकाली गई तथा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में मांग की गई कि हमला करने वाले पूर्व जनपद अध्यक्ष की गिरफ्तारी तुरंत की जाए, कर्मचारी प्रोटेक्शन एक्ट को तुरंत लागू किया जाए। बता दें कि करंजिया में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में पूर्व जनपद अध्यक्ष श्रीमती रंजिता परस्ते को मंच पर किसी अन्य के नाम से पुकारे जाने से नाराज होकर मंच के समीप ही झूमा झटकी कर मारपीट कर दी गई थी। विरोध स्वरूप आज यहाँ विरोध प्रदर्शन किया गया। बंद करो।
13 तारीख को जब मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी सुंदर योजना का कार्यक्रम चल रहा था करंजिया जनपद में, उसी संबंध में जनपद सीओ को पूर्व जनपद अध्यक्ष के द्वारा बदतमीजी की गई और मारपीट भी की गई उसी के विरोध स्वरूप में, और सीओ के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए इसी संबंध में विरोध के स्वरूप आज हमने सामूहिक रैली निकाली और सामूहिक अवकाश भी लिया। से भी हमारा साथ दिया गया और रोजगार सहायक की तरफ से और जनपद के समस्त स्टाफ की तरफ से। अभी आपने आवेदन दिया तो मैम ने क्या आश्वासन दिया आपको? जी मैम ने क्या आश्वासन दिया आपने? आश्वासन दिया कि ऊपर तक ये पहुंचाएंगे और उन्होंने ये कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे। आज से शुरू हुआ 3 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य। म्याना चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में 90 दिनों में 3 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तारतम्य में समाज सेवी ओएन शर्मा ने बताया कि यह प्रयास है जो पर्यावरण को बचाने के लिए किया जा रहा है, इसमें हर युवा को सम्मिलित किया जा रहा है। वहीं गांव-गांव जाकर हर घर में लोगों के सेतु जागृत भी किया जाएगा। जीवन में कम से कम 2 वृक्ष जरूर लगाएं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से स्वामी गणेशानंद जी महाराज उपस्थित रहे एवं इसके साथ साथ गुना विधायक पन्नालाल शाक के SDM दिनेश चंद्र शुक्ला आदि गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे एवं बड़ी संख्या में लोगों ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। वकील भूप नारायण सिंह सोलंकी की मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही। जहां एक और पहले ब्राह्मण समाज को लेकर कई अपशब्द कहने वाला ऑडियो वायरल हुआ था, वहीं अब एक और ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वह जैन समुदाय सहित अन्य समुदाय के लोगों के संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों के बारे में टिप्पणी करते सुनाई दे रहे हैं। इसके साथ ही 2 महिलाओं के नाम लेकर उन्होंने काफी कुछ अनर्गल बातें भी उक्त महिलाओं के लिए भी की, जबकि वह दोनों ही महिलाएं संभ्रांत परिवार से हैं। इसके साथ ही उन्होंने इन महिलाओं को लेकर कई गंभीर बातें भी उस ऑडियो क्लिप में की हैं जो हम आपको सुना भी नहीं सकते। साथ ही SC ST में आने वाले लोगों को लेकर भी कई गंभीर एवं अनर्गल बातें इस ऑडियो क्लिप में सुनाई दे रही हैं। हालांकि अभी तक वकील भूप नारायण की तरफ से इस बात का कोई खंडन इन ऑडियो क्लिप के लेकर नहीं किया गया। अब देखना ये होगा कि उक्त ऑडियो में जो 2 संभ्रांत महिलाओं का जिक्र इन ऑडियो में किया गया है वह इस मामले में क्या करती है। हेलो दादा नमस्ते। हेलो हाँ दादा नमस्ते। नमस्ते भैया, आप आ रहे थे ना? हाँ जी, आपने तो मना कर दिया था कि आज अम्बेडकर जयंती, अम्बेडकर जयंती मना। नहीं, आपने कल का बोला था ना कि बोले मैं कल आ रहा हूँ, परसों बात हुई थी बोले कल आ रहा हूँ, तो कल भी कल इंतजार कर रहे थे। नहीं, अम्बेडकर जयंती के चलते नहीं आए कि आज व्यस्तता होगी आप लोगों की ज्यादा। हाँ वो तो है, पर मैं तो फ्री था, मतलब आपका इंतजार ही कर रहे थे कल भी। बिल्कुल
आज अम्बेडकर जयंती मन गया तो कल आ जाए। चलो फिर कल आओगे? और क्या चल रहा है? बस बढ़िया चल रहा था। ओके सब सब फर्जी लोग शांत हो गए जो लिख रहे थे उपाध्याय के बेटे के लिए उपाध्याय का बेटे का लिस्ट भी बना एडजस्टमेंट लिस्ट को लिस्ट बना करके भेजने वाले और है? ये क्या मेंढक की तरह उछलते हैं कुछ दिनों के लिए उसके बाद में फिर बैठ जाते हैं। अभी अभी नरसिंहपुर और ये जैसे ये यहाँ के चल रहा है सीधी वाला मामला साला। नरसिंहपुर और सीधी का मामला एक्चुअली में क्या है? आपसे किसने कहा कि रैली में जाओ? रैली में जाने की और गुंडागर्दी दिखाने की आपको क्या जरूरत पड़ेगी? हाँ सही बात, जब 144 धारा लगी हुई है, मान लो कि कहीं आग लगा दिया, पत्थर फेंक दिया, सरकार सजग हुई, अब सोचिए कि ये साले ठाकुर ठाकुर बढ़िया आड़िया जी ये ना आग लगाए, कम से कम सरकार ने 144 की धारा लगा के शांति व्यवस्था बनाने के लिए कर दिया। तो रैली चुराने के लिए काहे के लिए गए? तुम वकील हो, कोई रैली के हिस्सेदार हो क्या? सही बात है, बच गए तो नेतागिरी शुरू कर दी है भाई, तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए ना, किसने कहा कि तुम जाओ? सही बात है, एक वकील को तो बिल्कुल कोर्ट में ही बिल्कुल ऑफिसर आप तो कोर्ट जो बोला कोर्ट के लिए जब कोर्ट ऑफिसर हो तो तुम क्यों ऐसी कैसी कराने जा रहे हैं? सही बात है, इसलिए जो है नेतागिरी सिर्फ इस बात की है कि गए थे रैली में, अब गए थे ठाकुर बन के रैली में, वहाँ पुलिस ने व्यवस्था को उठा के दो डंडे घर पे दे दिए, तब वकील साहब हो गए। कानून की बात करते हैं, मैं तो आपको मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बस एक आध दिन में जैसे आता हूँ बारों में थोड़ा प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवा लूँ, मीडिया पे आए हैं सारे लोगों की लिस्ट बना के रखा हूँ, कल एक सज्जन से सिर्फ इतना ही पूछा था मैंने, क्योंकि बड़े पोस्ट डाल रहे हो, व्हाट्सएप पे हमने हमने खोल करके बात की, हमने बड़े पोस्ट डाल रहे हो फर्जी, तो मैंने तो उसको लिखा था, मैंने कहा मैडम तो बोले सूर्यवंशी जी मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, औरत हूँ साहब वोट चाहिए, किसी की गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी में जाके बैठ करके और इधर उधर चक्कर काटने लगे, वोट चाहिए। अरे कुछ करो ना, अध्यक्षताओं के हित में समय निकालो, कुछ करो, वोट मिलेगा वोट कहाँ जाएगा? वो नहीं करना है, सिर्फ वोट चाहिए, किसी गले में हाथ डाल के वोट चाहिए, जैन बोल के वोट चाहिए, तो कुछ ऐसे तैसे जैसे तैसे वोट चाहिए, तो किसी की गाड़ी में बैठ के चले गए, किसी के गर्दन में हाथ डालिए, तो किसी को मोबाइल से हाय कह दिए, वोट चाहिए। किसी के पास वोट चाहिए सिर्फ, लोगों को हाय कैसे हो मोबाइल पर चेकिंग करते रहो, किसी काम के नहीं, चाहे तुम्हारा शुक्ला हो जफर हो सभी ने इन्होंने इनकी भूमिका नहीं निभाई, कुछ भी कहो बस ये जितने मतलब लड़ो और मरो, इनको तो जाति के नाम पर वोट दे। डीजीएनआई न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।